इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आ रही है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा लीड हासिल कर दी है। बता दें आपको कि ताजा आंकड़े के अनुसार कांग्रेस पार्टी 38 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि मात्र 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है दोस्तों। और एक पर अदर्स कैंडिडेट चुनाव में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो एक अदर्स कैंडिडेट है वो भी कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर है दोस्तों। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। लगभग 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है दोस्तों। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, जहां पर चिंतपूर्णी सीट से कांग्रेस पार्टी के सुदर्शन सिंह आगे चल रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होशियार सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इनकी टक्कर चल रही है। इस सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है दोस्तों, यानी देहरा की सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सामने कांग्रेस का मुकाबला चल रहा है। ये सीट भी आसानी से कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट और बीजेपी के वोट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सीट भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी और खुशखबरी लेकर आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता धर्मशाला से सुधीर शर्मा लगभग 3000 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ में दून विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के राम सिंह लगातार लीड बनाए हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि और भी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त धमाका किया है। एक के बाद एक मंत्री संतरी सारे चुनाव हारते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता चंबा में भी लगातार लीड बनाए हुए हैं, और यहां तक कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की लीड 2000 से ऊपर पहुंच चुकी है दोस्तों। कुल मिलाकर इन सारी सीटों पर धीरे धीरे आंकड़े कांग्रेस पार्टी के खाते में चले जाएंगे। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच रहा है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी बातें गुजरात में कर रहे थे, उन सभी की जमानत जब्त होने की भी खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त जीत को लेकर पार्टी के सारे नेता अलर्ट हो गए हैं। बड़े बड़े नेताओं को हिमाचल प्रदेश भेजा गया है, सारे विधायकों को ले जाकर राजस्थान पहुंचाया जाएगा, और जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को लेकर भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि बाई इलेक्शन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा बरकरार रखा हुआ है। दरअसल दोस्तों बाई इलेक्शन में बिहार की एक सीट पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीधा मुकाबला चल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में राजस्थान की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है। साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बाई इलेक्शन 2 सीटों पर हो रही है, दोनों में से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी आरएलडी के खाते में जा रहा है। तो ये भी अच्छे संकेत समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी के लिए है। बीजेपी को यहां पर भी तगड़ा झटका लगा है, जबकि रामपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत किला बना हुआ है दोस्तों। और लोकसभा के उपचुनाव को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी का जबरदस्त दबदबा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी आगे है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के एक और बड़े नेता ने बयान देते हुए कहा है कि महानगरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव लगातार कम हो रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि 2024 के चुनाव में बड़ा खेला होने जा रहा है दोस्तों। बीजेपी के लोगों को शहरी मतदाताओं का वोट जाते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं और भी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ट्रेंड बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा लगभग 43 के पास पहुंच चुका है दोस्तों, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अच्छी खबर है कांग्रेस पार्टी के। आने वाले दिनों के अंदर सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। स्वागत है आपका अपने चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, आपके सामने मौजूद है दोस्तों, जहां पर एक बार फिर से एग्जिट पोल के सारे नतीजे फेल हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 250 वार्ड में से आम आदमी पार्टी को 130 वार्ड के आसपास मिला है, जबकि बीजेपी को 105 के आसपास वार्ड मिले हैं दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी को 8 वार्ड में सफलता मिली है। आपको बता दें कि तमाम एग्जिट पोल में दावा किया गया था कि एक तरफा लहर एमसीडी में चल रही है, यानी आम आदमी पार्टी आराम से एमसीडी के अंदर अपना मेयर बनवा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आपको बता दें कि एमसीडी के एग्जिट पोल में यह दावा किया गया था कि आम आदमी पार्टी 150 से ज्यादा सीटें कम से कम जीतने वाली है और मैक्सिमम तो 200 सीटें जीत सकती है, यानी प्रचंड जन समर्थन के साथ एमसीडी में अपना मेयर बनाएगी। लेकिन एक बार फिर से एग्जिट पोल सारे मुंह की खाते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो दावा किया गया था दोस्तों, वो भी पूरी तरीके से फेक निकला है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2017 के अंदर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को मात्र 4% वोट शेयर मिला था, जबकि इस बार के एमसीडी इलेक्शन में यानी 2022 के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 4 से बढ़ाकर अपना आंकड़ा 12% बढ़ा लिया है, यानी 12% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है दोस्तों। इससे पहले एग्जिट पोल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति दिखाई जा रही थी, मात्र 2-3% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा इस तरीके का दावा किया जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस एग्जिट पोल को भी पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 12% तक पहुंच गया दोस्तों, जो अच्छी स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमतर करके दिखाता है, यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में भी आप देखेंगे अंततोगत रिजल्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा। साथ साथ दोस्तों, जैसे ही दिल्ली के एमसीडी के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, वैसे ही भारतीय
जनता पार्टी के लोगों ने मेयर पद पर अपने लोगों को बिठाने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सीटों में 20 से कम का अंतर है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोगों को लगा है कि यहां पर आराम से अपना मेयर बनाया जा सकता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली के LG 12 पार्षदों को नियुक्त करेंगे दोस्तों, और आप जानते हैं कि LG किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, केंद्र सरकार ने LG को नियुक्त किया है। तो वो जो 12 मेंबर नॉमिनेट होकर जाने वाले हैं वो सारे के सारे बीजेपी समर्थक ही होने वाले हैं, तो यानी बीजेपी का आंकड़ा 120 के आसपास पहुंचेगा, और उसके बाद बीजेपी तमाम पार्टी के पार्षदों को तोड़कर हो सकता है कि मेयर बनाने के लिए आगे बढ़ जाए दोस्तों। सबसे बड़ा कारण यह है कि मेयर के इलेक्शन में किसी भी तरीके का एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगता, यानी कोई भी मेयर पद के लिए किसी भी तरीके से वोट कर सकता है, यानी कोई भी पार्षद कहीं भी वोट कर सकता है, उस पर कोई भी एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होगा। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर मेयर के इलेक्शन में किसको जीत मिलती है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव जीते ही सारे पार्षदों को बुलाया और उनसे बैठक की है दोस्तों। कहीं ना कहीं बीजेपी का हर एक नेता कह रहा है कि MCD में मेयर तो उन्हीं की पार्टी का बनेगा, यानी बहुमत नहीं होने के बाद भी बीजेपी के लोग इस तरीके का दावा कर रहे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करने की पूरी तैयारी में है बीजेपी। और एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात के चुनाव के बाद हिंसा के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ऑफिस में हमला कर दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है दोस्तों। गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर चुनाव के बाद भारी हिंसा देखने को मिली। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य के विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में सोमवार को कलोल निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान एक पोलिंग बूथ पर मतदान को लेकर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बलदेव जी ठाकुर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी बहस हो गई दोस्तों, और मामला काफी आगे बढ़ गया। इस दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला होने का भी आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर इस सीट पर देखते हैं रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। वहीं आपको बता दें कि राज्य के चुनावों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, यानी अगर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्नाटका के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस बात को क्लियर कर दिया है। आप लोग इस बात से कितना इत्तेफाक रखें दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कर्नाटका के अंदर भी मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं और सिद्धरमैया ने कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभाल रखा है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में काफी सीरियस होकर चुनाव लड़ रही है। यहां पर पूरी तरीके से समीकरण पलटे जा सकते हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों बीजेपी के नेता परेश रावल बुरी तरीके से फंस गए हैं। दरअसल बंगाली लोगों को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल करने और एक तरीके का प्रीजुडाइज वाला स्टेटमेंट देने के मामले पर कोलकाता पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, और FIR दर्ज करने के बाद अब 10 दिसंबर यानी परसों पुलिस के सामने आने के लिए कहा गया है दोस्तों। यानी कोलकाता पुलिस के सामने जाएंगे और पूरी तरीके से जानकारी देंगे कि आखिर उन्होंने इस तरीके का बयान क्यों दिया, उन्होंने पूरे बंगाली समुदाय को लेकर अभद्र टिप्पणी क्यों की है, क्या भाजपा की सरकार के कारण उनका ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। देखते हैं कोलकाता पुलिस आगे किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्या परेश रावल जाएंगे कोलकाता पुलिस की पूछताछ में शामिल होने के लिए या फिर आनाकानी करेंगे, और उसके बाद कोलकाता पुलिस क्या स्टैंड दिखाएगी, ये आने वाले दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसीलिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको खबरें कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का जुड़े।